पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शोएब अख्तर से भी तेज बॉलर मिल गया है, कौन है और कैसे दुनिया के यंग फास्टेस्ट बॉलर बने आपके साथ शेयर करता हूँ। एहसानुल्लाह सवात के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ इनके पास खेलने के लिए पैसे नहीं थे, किट नहीं थी, शूज नहीं थे, और लाहौर के एक मलिक नासिर जो एक क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, उन्होंने इनको अपने पास बुलाया और इनको हॉस्टल में रहने के लिए पैसे दिए, खाने पीने के लिए पैसे दिए, तमाम जो खर्चा था वो मलिक नासिर उठाते रहे और इनको खिलाते रहे अपने क्लब के अंदर। ये 140-145 की क्लिक कर रहे थे उस टाइम पे जब ये 18-17 साल के थे। फिर इसके बाद इनको पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स ने एज अ मर्जिंग प्लेयर लिया, जहाँ अब ये 150 प्लस की पेस रखते हैं, कंसिस्टेंटली 145 टच करते हैं। इन्होंने अमेजिंग बॉलिंग की है पीएसएल में, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के अंदर इन्होंने 5 विकेट्स लिए, 12 रन्स दिए, 1 ओवर मेडन किए, अमेजिंग बॉलिंग की है इन्होंने। और इनकी ये बॉलिंग देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स इनको अपनी टीम अपनी फ्रेंचाइज में शामिल करने के लिए ऑफर्स कर रही हैं। पूरी दुनिया में अब एक ही नाम है, एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह शायद फ्यूचर के अंदर आप शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि मोहम्मद जाहिद की कॉपी है। मोहम्मद जाहिद इन्हीं की तरह स्लिम, लंबे और बड़ा स्मूथ रन अप, एफर्ट के बगैर पेस जनरेट करते हैं, स्मूथ रन अप है, स्मूथ इनका फॉलो अप है। यानी अगर आप देखें तो इनको बड़े इजीली 155-160 की पेस ये जनरेट कर सकते हैं। हाइट ज़्यादा है, स्मूथ रन अप है इनका, लैंड होते हैं बड़े स्मूथ तरीके से। सो फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि ये दुनिया के तेज तरीन बॉलर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कद लंबा है, बॉडी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग इनके करेक्टर भी है, यानी मेंटली भी बड़े स्ट्रॉन्ग है ये। फ्यूचर के अंदर आप एहसानुल्लाह को इंटरनेशनल क्रिकेट पे रूल करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको आपने इनके लिए एक लाइक करना है, एक लाइक तो बनता है और मिनिमम 100 लाइक्स एहसानुल्लाह के लिए। क्या ये पाकिस्तानी टीम में आएंगे कमेंट्स में बताइएगा।